तो युद्ध की शुरुआत हो चुकी है और दोनों ही तरफ लोगों की जाने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में इजराइल पर हमास के हमले के बाद दुनिया एक बार फिर से दो हिस्सों में बंटती नजर आ रही है। जहां एक तरफ अमेरिका समेत तमाम देशों ने इस हमले की निंदा की है और हमले को क्रूर बताया, तो वही तमाम ऐसे देश हैं जो हमास के हमले का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर इस युद्ध में समझिए अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, दरअसल उन देशों के नाम आपको बता रहे हैं कि आखिर इजराइल के साथ कौन कौन से देश जो हैं वो खड़े हुए हैं। इन सब के बीच में आप समझिए कि आखिर वो कौन कौन से देश, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, अल्बेनिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा समेत तमाम ऐसे देश हैं जो इजराइल के साथ फिलहाल खड़े हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि देखिए जिस तरीके से हमास की तरफ से हमला किया गया वो सरासर गलत है। ब्रिटेन हो, भारत हो, साफ तौर पर ये कहा गया, साइप्रस, जॉर्जिया, हंगरी, इटली, दरअसल ये वो तमाम देश जो इजराइल के साथ खड़े हैं और कहा जा रहा है कि हर तरीके से मदद जो है वो इजराइल तक पहुंचाई जाएगी। इसमें स्लोवानिया, यूक्रेन, हंगरी, इटली जो है साफ तौर पर शामिल है। अब आपको ये भी बताते हैं कि आखिर फिलिस्तीन के साथ कौन कौन से देश है जो खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ ईरान में इस हमले के समर्थन में जश्न जो है मनाया गया। देखिये सऊदी अरब, तुर्की, सीरिया, चीन, पाकिस्तान, ये वो देश है जो साफ तौर पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वो साफ कह रहे हैं कि देखिए बहुत अच्छा हुआ हमला किया गया, क्योंकि लोगों को उनके अधिकारों से वंचित जो है काफी समय से रखा गया था, जिसमें आखिरी देश जो है वो कुवैत भी शामिल है। तो देखिए ये तमाम वो देश जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, कुछ देश जो है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम फिलहाल जो है इजराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन एक बार फिर से समझिए, रशिया यूक्रेन युद्ध के बाद एक बार फिर से ऐसा युद्ध जिसकी वजह से दुनिया जो है दो टुकड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। और इजराइल के जवाबी हमले से गाजा में जमकर तबाही मची है। रॉकेट हमले की वजह से यहां कई इमारतें खंडर में तब्दील हो गई हैं। तो कई इमारतें ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से इजराइल की ओर से जो रिटेलिएशन की गई, जो जवाबी हमला किया गया, उसके बाद जमकर तबाही मची है। ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद किस तरीके से बिल्डिंग्स धराशायी हुई, और बिल्डिंग्स के धराशायी होने के बाद जो धुएं का गुबार था और जो धूल का गुबार था वो पूरे आसमान में दिखाई दिया। और अगर हमास की तरफ से इजराइल के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया तो इजराइल भी इसी पर अब काम कर रहा है। आप देखेंगे कि रिहायशी इमारतों को यहां पर तबाह कर दिया गया है, वहां पर लोग भी भागते हुए अपनी जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भीषण युद्ध और भी ज्यादा अब जबरदस्त होता हुआ चला जा रहा है और इसी इमारत को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। तो देखिये ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो इजराइल के रिटेलिएशन की है। इजराइल के रिटेलिएशन की, अटैक के बाद की तस्वीरें हैं, जब इजराइल की ओर से एक के बाद एक ताबड़ रॉकेट दागे गए और रॉकेट के बाद ये तबाही इस तरीके से मची है। देखिए किस तरीके से बिल्डिंग्स वहां पर धराशायी हो गई हैं। यहां अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्डिंग का मलबा दिखाई देगा और उसके बाद पूरे आसमान में सिर्फ और सिर्फ धुएं और धूल का गुबार दिखाई दे रहा है। और अलर्ट पर किस तरीके से सेना वहां पर रख दी गई है और पुलिस है अलर्ट पर, ये आप पुलिस की गाड़ियां जो खड़ी है यहां से आप समझ पाएंगे। और ये हमले की ताजा तस्वीर है जो निकलकर सामने आई है, लेकिन ये एक तस्वीर नहीं, अब एक और तस्वीर आप देखिए, आपको एक सेकंड से भी कम का समय यहां पर दिखाई देगा और ये जो बहुमंजिला इमारत है वो यहां पर धाराशाही होती हुई दिखाई दे देगी और जबरदस्त यहां पर धमाका होता हुआ, भीषण ब्लास्ट होता हुआ भी दिखाई देगा। और आग किस तरीके से रात के अंधेरे में जब ये ब्लास्ट हुआ तो चौतरफा रोशनी फैल गई और उस रोशनी ने देखे किस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ है। जरा नजरे यहां दिखे, ये बिल्डिंग एक तरफ ब्लास्ट हुआ, दूसरी तरफ बिल्डिंग धराशायी कितनी तेजी के साथ नीचे हुई है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि इस ब्लास्ट में जब ये बिल्डिंग धराशायी हो रही होगी तो न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो मौत की नींद सो गए होंगे या घायल हुए होंगे। और एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरीके से रात का अंधेरा था और उसके बाद जब ये ब्लास्ट हुआ तो कैसे यहाँ पर आसमान में रोशनी हो गई। एक और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये टॉप एंगल से ली गई तस्वीर है। आप देखेंगे कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसके बाद जब यहाँ पर धमाका हुआ, यानी कि जब विस्फोट हुआ और उसके बाद चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ धुआं यहां पर दिखाई दिया, यानी कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, वो यहां से वहां जा सके, खुद को सुरक्षित कर सके, इसका मौका ही इजराइल की ओर से नहीं दिया गया। देखे ये एक ब्लास्ट, उसके बाद उधर ब्लास्ट और उसके बाद इधर भी ब्लास्ट होता है और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ पीछे तबाही के निशान और सिर्फ बर्बादी के निशान ये अटैक्स अपने पीछे छोड़कर जा रहे हैं। और उधर आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल की वायुसेना ने भी पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और इजराइल के इस बदले की कार्रवाई की कई तस्वीरें भी हैं जो अब निकल कर सामने आने लगी हैं। और उन तस्वीरों में गाजा में कई हमले होते हुए दिखाई दिए हैं और इस दौरान वहां पर सिर्फ और सिर्फ धमाकों की ही आवाज सुनाई दी है। गाजा पर इजराइल की बमबारी, हमास के हमलों का करारा जवाब, इजराइल का बारूदी प्रतिशोध,
आतंकी संगठन हमास के हमलों का जवाब देने के लिए इसराइल की वायुसेना ने ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। इसराइल की वायुसेना ने जो तस्वीरें जारी की उनमें हमास के आतंकियों पर बारूद कहर बनकर टूटती दिखाई दी। इसराइल की वायुसेना ने दावा किया कि उसके इस हमले में हमास का लॉन्चिंग पैड तबाह हो गया। इसके साथ ही जिकिम में समंदर किनारे भी इसराइल की सेना ने हमास के कई लड़ाकों को मार गिराया। נהפוך אותם לאיי חורבות. אני אומר לתושבי עזה, צאו משם עכשיו, כי אנחנו נפעל בכל מקום ובכל העוצמה. बदले की इस जंग में इसराइल कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि हमास ने उसके ऊपर एक दो नहीं बल्कि हजारों रॉकेट की बौछार की। इस बीच इसराइल की एयरफोर्स ने एक और तस्वीर जारी की जिसमें हमास की चार ठिकाने नजर आए। इसराइल की सेना ने दावा किया कि इन बहुमंजिले इमारतों को उसने हमला करके नेस्तनाबूद कर दिया। इसराइल के दावे के मुताबिक उसकी सेना ने गाजा में हमास के कई मिलिट्री कंपाउंड और मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया। खबर यह है कि इसराइल के इस हमले में गाजा में 230 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 1800 से ज्यादा लोग घायल बताए गए। צה"ל יפעיל מיד את כל עוצמתו כדי להשמיד את יכולות חמאס. נקה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה על היום השחור הזה שהם עוללו למדינת ישראל ולאזרחיה. यही नहीं, हमले के दौरान हमास ने इसराइल के कई नागरिकों और वहां के अफसरों को बंधक बनाने का दावा किया। हमास ने यह भी दावा किया कि उसके पास इतने बंधक हैं कि वो इसराइल की जेलों में सभी फिलिस्तीनी कैदियों को छुड़वा सकता है। हालांकि इसराइल के नागरिकों को बंधक बनाए जाने से नेतन्याहू ने हमास से हर हिसाब लेने की धमकी भी दी। אני אומר לחמאס, אתם אחראים לשלומם. ישראל תבוא חשבון עם כל מי שיפגע. इसराइल पर हमले के बाद से ही उसके फाइटर जेट एक्शन में है और हमास के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया जा रहा है। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इसराइल फिलिस्तीन युद्ध में अब लेबनान की एंट्री हो चुकी है। लेबनान ने इसराइल पर मोर्टार दागे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लेबनान का इसराइल के रॉकेट प्रतिष्ठान पर हमला किया गया है। आतंकी हिजबुल्ला ने हमले की जिम्मेदारी ली है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पहले ही तमाम देश ऐसे हैं जो साफ तौर पर कह चुके हैं कि हम इसराइल का समर्थन करेंगे, जिसमें अमेरिका तक शामिल है। दूसरी तरफ अगर फिलिस्तीन की बात करें तो कई ऐसे खाड़ी देश जो ये इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि हाँ, हम फिलिस्तीन का समर्थन करेंगे। इन सब के बीच में अब लेबनान की एंट्री हो गई।